इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर हम ऑटो स्टार्ट की जो सेटिंग्स है उसको कैसे बंद या फिर चालू कर सकते हैं, ये हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलती है ऐप्स, तो ऐप्स को हमें खोल लेना है। और यहाँ पर हम रेडमी का फ़ोन यूज़ करें, अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो आप ये प्रोसेस ईजीली कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको परमिशंस दिखाई देगी, तो परमिशंस को भी खोल लेना है। और ऊपर ही आपको यहाँ पर ऑटो स्टार्ट वाला ऑप्शन जो है दिख जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई देंगी बहुत सारी सर्विसेज, सेटिंग्स और एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर आपको स्नैपचैट दिखाई दी जाएगी। तो जैसे इस पर हम जो है क्लिक करते हैं तो स्नैपचैट के अंदर से ऑटो स्टार्ट बंद हो जाता है। और जैसे इसको चालू करते हैं यहाँ पर ये दोबारा से ऑटो स्टार्ट पर लग जाता है। और जिसको खोलते हैं तो यहाँ पर आपको दो परमिशंस और मिल जाती हैं इसकी, तो इसको भी बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है इसकी सर्विसेज को बंद करने का। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।